बहुत ही मजा आ रहा है, बारिश का दिन भी था, हसीन मंजर पेश कर रहे हैं यार बस। और ये कणिक है सूरज की जो लहरें हैं शाम का डाक के जंगल में मौजूद है। आटा वैसे भी खत्म हो रहा है घर का। नेचुरल व्यूज यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि आज बारिश का दिन भी था, तो मौसम जो है बहुत वो सुहाना हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस टाइम हम बागों और गंदम के खेत में मौजूद हैं। यहाँ बरसिंग का घास उगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, तो देखें बहुत ही दिलकश और हसीन मोमेंट है यहाँ पर, हसीन मंजर पेश कर रहे हैं ये बाग जो हैं इसके बरसिंग यार ये सरियम के खेत, ये हाँ। ये सरियम है सरियम के खेत क्या ट्रैक के बीच क्या सरियम है यार बस सरियम के खेत। और ये कणिक जी नाजरीन, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही दिलकश और खूबसूरत मनाजिर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सूरज की जो लहरें हैं, शाम का टाइम है, इस टाइम हम बाग के जंगल में मौजूद हैं। यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही हसीन और दिलकश मनासिर और खूबसूरत चार्मिंग सीन है। व्यू देख सकते हैं सन की जो शुआएं हैं वो इस टाइम एक हसीन मनासिर देखने को पेश कर रही हैं। इस टाइम देख सकते हैं कितना खूबसूरत मनाजिर है, शाम का टाइम है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि आज के दिन जो है बारिश भी हो रही थी, तो आज मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा बन चुका है। तो देखते रहें प्रयासी नाजरीन, ये गंदम के खेत हैं, वहाँ कुछ गंदम हिल रही थी तो मैं देखता हूँ वहाँ है क्या। ओए ओए गासदी ना हो यार। हाँ यार आप डर गए। हाँ यार मैं मुझे पता अच्छा, नहीं अच्छा ठीक छुप के बैठे हुए थे यार उधर पागल हो बस यार मैं देख रहा था। अच्छा गंदम के आप यार सिट्टे चेक कर। हाँ ये मैं चेक कर रहा था कि यार यार ये पक चुका है कि नहीं, क्योंकि आटा वैसे भी खत्म हो रहा है घर का, तो इसलिए इस गंदम को जल्दी सूखना चाहिए ताकि हम इसका ताजा जो है आटा बनवा सके। बिल्कुल ये देखें ये दाना तो गंदम का बन चुका है और ये छुप के इधर बैठा हुआ गंदम चेक कर रहा था। मैं समझा पता नहीं क्या है इधर का आटा खत्म हो रहा है ना, तो तो गंदम देख रहा था ये कि कब आएगा आटा। ये देखें जल्दी से पक जा हमारी जो भूख है वो खत्म हो जाए। वैसे भी पाकिस्तान में ऐसे हालात बन चुके हैं, तो देखते रहें भैया।